आश्रा महिषत मीडिया मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम, चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, दिल तो यही चाह रहा है कि कहीं कि हम आज आखिरी बार अपने सिपा सालार आज़म जनाब सैयद जनरल आसिम मुनीर से मुखातिब हों और अपने दिल की सारी बातें वो कह जाएं जो लोगों से हम तक पहुंच रही हैं। उससे पहले हम एक सवाल उनसे और उनकी तमाम टीम से, उनकी टीम में उनके तमाम कोर कमांडर्स, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के मेंबर CGS, उनकी एजेंसीज के DGs और उनके जो भी करीब लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग और डिसीशन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब से हमारा सिर्फ एक सवाल है, फौज किसकी मोहब्बत के सहारे आगे बढ़ती है, चाहे हालात जंग में हो चाहे दूसरे हालात में हो। एक तो मुसलसल जंग हमारे यहाँ टेररिज्म की चल रही है जिससे आप निमट रहे हैं। हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो अचानक से PTI ने एक नया इंटरनेशनल गिवन एजेंडा अप्लाई करना शुरू किया, और वो उन्होंने करना था और वो उन्होंने प्लान किया हुआ था कि जब उतारेंगे हुकूमत से पहले तो गंदी परफॉर्मेंस देंगे, लूटेंगे खजाने को, बर्बाद करेंगे, और उसके बाद जब ये हमें उतारेंगे तो फिर उसके बाद इस प्रोपेगेंडे की बारी आएगी। आम लोगों का अब यही ख्याल है जो सियासी शऊर रखते हैं, बरगजीदा लोग हैं, साहिबान ईमान इल्म और अक्ल हैं और जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर जिनको हम कह सकते हैं, उनको यही लगता है कि ये बाजवा साहब और इमरान की नूरा कुश्ती थी और अभी भी है। ये एक इंटरनेशनल गिवन एजेंडा था और बाजवा साहब को शायद कहा गया था कि जब इसकी परफॉर्मेंस जीरो पर आने लगे हमारी हिदायत के मुताबिक, चूंकि इसमें कैपेसिटी टू गवर्न है ही नहीं, ये आदमी गवर्नेंस प्रोडक्ट नहीं है, वो छांटती है ना, जो उनको नजर आ जाए कि कौन कितना बड़ा गधा है तो हम उसको मोहरे के तौर पर अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये गधा उनको दस्तियाब हो गया था। लेकिन इस गधे को इस्तेमाल करने, इस गधे के साथ हाथ मिलाकर चलने के लिए एक एजेंडा ऑफ कोर्स बाजवा साहब को भी दिया गया होगा। हम अभी भी एक शक की गुंजाइश रखना चाहते हैं, अगर बाजवा साहब जवाब देना चाहें और अगर वो देखें ये क्लिप तो, या उनके दोस्त अहबाब जो यहाँ अभी भी घुसे हुए हैं अंदर उन्हीं के एजेंडे पर काम करने वाले, वो यकीनन पहुंचा देंगे उन तक, तो उनको बताना पड़ेगा कि इस एजेंडे में उनका उतना ही हाथ था जितना लोग समझ रहे हैं। और उसके बाद वाली हरकत, आपने उतारा इमरान को, ठीक उतारा, लोग खुश थे, लेकिन जो आपने उसके बाद किया, आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना देते उसी वक्त और नए इलेक्शन अनाउंस करवा देते, बेशक आप एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट उसी वक्त बनवा देते। हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं और बदतरीन सियासी पार्टियों में भी बेहतरीन लोग मौजूद हैं, उन्हीं पार्टियों में से लोग उठाकर, हम अभी आगे भी बताएंगे कि ये कोई बात नहीं, इतनी बहुत देर हो गई लेकिन अभी भी थोड़ा सा वक्त है सोचने का आपके पास, ये काम अभी भी हो सकता है। लेकिन आपने जमाने भर के चोर उचक्के लुटेरे, पाकिस्तान को कंगाल करके अपने खजाने बाहर भरने वालों को जिस तरह आपने लाकर सरों पे बिठाया और इस एक साल में इतनी तबाही मची कि मैं बहुत अच्छे लोगों को भी जानती हूं मौजूदा गवर्नमेंट में और मुझे कोई नहीं आर होता, मैंने बहुत बुरे वक्त में उनका साथ दिया और वो उनका साथ देना चाहिए था उस वक्त मुझे, शहजाद अकबर
कि जो खबर मैंने उस वक्त ली जब वो इख्तदार में था, बेशरम आदमी और इसाक डार साहब की बेगम का घर नीलाम करने वाला था, तो पहला क्लिप मैंने किया था। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, मैं हमेशा बुरे वक्त में साथ होती हूँ, अच्छे वक्त में पीछे खड़ी हो जाती हूँ जाकर, और बताती रहती हूँ कि ये आप कर रहे हैं, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। तो आज भी वो शख्स, शायद मिफ्ताह इस्माइल साहब ने भी अपने तौर पर पूरी कोशिश की होगी, कि कुछ लोग कहते हैं बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन इमरान खान इकोनॉमी को इतनी बुरी तरह तबाह कर गया था और उसके जो हवारी थे सारे, मैं रजाक दाऊद को क्या कहूँ जो झूठ बोलता रहा इनसे, ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्टर, मैं उस गंदी ब्यूरोक्रेसी को क्या कहूँ, मैं यूनुस धागा को क्या कहूँ, अकील करीम डैडी के दामाद साहब को जो पहले ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर थे कामरान इमरान खान साहब के, मैं असद उमर को क्या कहूँ जो इनको लेकर आया था चंद टके डोनेशंस के बदले शौकत खानम को, रजाक दाऊद को लाकर किसने सर पे बिठाया था, पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, असद उमर, उसके बाद वही इंटरनेशनल फनकार हफीज शेख साहब आए। लेकिन आप कहते हैं ना कि वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ शख्स आपको नजर नहीं आया, अशफाक हसन साहब को आपने रखा जरूर, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज से आपने कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, और अब वो इतना चिढ़ गए हैं कि वो किसी गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार नहीं है। एक अच्छे आदमी का, एक जिसकी अपनी प्रोफेशनल जेन्युइन एक्सपर्टीज हो, उसका यही रवैया होता है, वो हम उनसे बाद में गुजारिश करेंगे, मान लें तो ठीक है, कि अब उनको इस मुल्क के स्टेट के इंटरेस्ट में इसाक डार का हाथ कैसे मजबूत करना चाहिए। एंड इसाक डार साहब ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि किसी तरह जो उन्होंने वादे किए कि 200 पर डॉलर ले आऊंगा और 200 पर ही पेट्रोल भी आ जाएगा, आ सकता था, मगर जो बिजनेस कम्युनिटी है और बैंकर्स, स्टेट बैंक के माफ कीजिएगा गवर्नर साहिबान और उनके एग्जीक्यूटिव्स, उन्होंने जितना गंदा रोल प्ले किया और इसाक डार को धोखा दिया, वो ये ना समझे कि नहीं मालूम कि अफगानिस्तान डॉलर भिजवाने में किस बैंक का, किस स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव का और किस गंदे बिजनेस माफिया का हाथ मालूम है सबको, इसाक डार साहब को भी मालूम है। अब उनको इस तमाम मामले को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं तो उनको भाई कहती हूँ, मेरे साथ तो उनके इस तरह के टर्म्स हैं कि मैंने उनको कहा कि भाई मैं कभी भी गलत चीज़ पे आपको सपोर्ट नहीं करूंगी, और वो ये बात जानते हैं, मुझे उनसे कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है, ना इख्तदार का, ना कोई और कोई लाइसेंस, कोई और किसी कस्म के मराहत जो लोग लेते हैं, ना कोई एक्सटेंशन का लालच है। एक इंतहाई जाहिल, इंतहाई बेहुदा आदमी जो किस तरह जियाला था और कैसे ग्रेड 22 तक पहुंचा, उस कमर दिलशाद को मोहसिन नकवी का एडवाइजर लगवाया गया, और कमाल देखे लगाने वाला कौन है, सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बदनाम किसको कर रहा है, आर्मी को, आईएसआई को। ये हमें मालूम है, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही आईएसआई को या आर्मी को, मुझे मालूम है कि कुमार दिलशाद को यहां पहुंचाने में आईएसआई का कोई हाथ नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई हाथ नहीं, होंगे मोहसिन नकवी उनके दोस्त होंगे, लेकिन सच्ची बात यह है कि फौज इस वक्त न्यूट्रल रही है पिछले एक साल में, और उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं की, ताकि ये जो जलालत हुई है 9 मई को, सिया दिन जिसे कहा जा रहा है। तो जनाब मेरा सवाल अब वही मौजूद है, मैं आपसे जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और आपकी टीम से ये पूछना चाहती हूं कि अवाम आपसे जो चाहते हैं, क्या आपको उसका अदराक है, ये लौट कर दोबारा ये जो जलालत हुई है 9 मई को, उसके बाद जो लोग आ रहे हैं, आर्मी नहीं लेकर आ रही इनको, ये जहन में रखें, बल्कि इमरान की असलियत लोगों पर खुल रही है, उसके अपने लोग अगर तोड़े जा रहे हैं तो उसका हमें नहीं मालूम, लेकिन अवाम का जो रद्द अमल है वो आपके सामने है, कि आज भी अवाम फौज से उतनी मोहब्बत कर सकते हैं अगर वो अवाम को घास डाले फौज,
और उनके मसाइल को, उनकी मुसीबतों को समझे। लगाइए इमरजेंसी, लाइए फौज को और इन दुकानदारों को, इन ताजिरों को, इन बदमाशों को, सनतकारों को, इनको जिसको कहते हैं ना पंजाबी में तुन के रख दें, जो अय्यूब खान ने किया था, उन्होंने आते ही सबसे पहले किस पर हाथ डाला था, जिनसे लोग तंग थे। और उस वक्त कुछ भी नहीं थी महंगाई, कुछ भी नहीं थी आज के मुकाबले पे। आज लोगों का जीना हराम हो गया है, बच्चों को स्कूल भेजें, अपने यूटिलिटी बिल्स दें, अपनी ग्रोसरी देखें, मकान के किराए दें, क्या करें? आप बताइए, आपके बारे में एक बार हमें बहुत अच्छी तरह हमें मालूम है कि आपकी आधी तनख्वाह चैरिटी में जाती है। ये एक बात बहुत कम लोगों को मालूम है जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन का कोई दाग धब्बा नहीं है। तो ये काम आपके सिवा और कर कौन सकता है? ये काम वही कर सकता है जिसके अपने हाथ साफ हों, और आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम जानते हैं जिनके हाथ साफ हैं। आदिल राजा और हैदर मेहदी को भूल जाइए, वो अपनी मौत खुद मरने जा रहे हैं। अभी अली हैदर ने एक क्लिप किया है और आदिल राजा का वो हशर किया है उसने, उसके झूठ का ऐसा पलंदा खोला है, जो उसने कहा कि जी आप सियालकोट में घिर गए और ना आपको एक कमरे में बंद, यानी किस किस किस्म की बकवास वो उड़ा रहा है आदिल राजा, और उसको सेकंड करने बैठ के कौन, कनाडा में हैदर मेहदी। दोनों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी ना, दोनों इसी फौज के ओहदेदार थे ना, शर्म भी नहीं आती इनको। हैदर मेहदी के लिए मैं नहीं कह सकती कि उसने कभी कोई करप्शन में वो इन्वॉल्व रहे हों, लेकिन आदिल राजा के लिए तो बहुत चीजें सामने आ रही हैं कि फौज की जब वो उसने हैंडलिंग शुरू की स्टेट रियल स्टेट में, तो उसने कितने घपले किए, वो सब खुल रहे हैं। वो भी वो इंतजार करे और देखे कि कौम के सामने उसका मुंह कैसे काला होता है। जनाबे अली, मैं फिर मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि क्या अब आप बिल्कुल हंगामी बुनियादों पर फौज को इस मकसद के लिए लाएंगे कि लोगों को रिलीफ मिले, आवाम को, और इनको सजाएं मिले जिन्होंने मसनूई महंगाई करके लोगों का जीना हराम कर दिया है? मैं उस आर्टिफिशियल प्राइस हाइक की बात कर रही हूं जो इनकी पैदा करता है रिटेलर्स की, ये बेकरी वाले, और ये टैक्स कितना देते हैं ये इनसे पूछा जाए। आप टैक्स रेवेन्यू भी अपने हाथ में ले लें। एक सिपाही, मेरा ईमान है, एक जवान सही ईमानदार सिपाही जाकर एक बेकरी पर, एक ब्यूटी पार्लर पर, एक दर्जी की दुकान पर, एक ग्रोसरी की दुकान पर, एक सब्जी वाले की दुकान पर खड़ा हो जाएगा ना, ये सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे। मैजिस्ट्रेट चोर, पुलिस को आप कहते हैं, लेकिन पुलिस इतनी चोर नहीं है जितनी हुकूमत, मैं अपने प्रोविंस की बात करती हूं हमेशा, मैंने आपसे पहले भी कहा, दूसरे प्रोविंसेस अपनी हालत को देखें, उनके लोग, और तजिया करके भेजें जीएचक्यू को कि ये हो रहा है, और हुकूमत से किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखें। जो 80-85 लोगों की कैबिनेट लेकर बैठी हुई है, जो हुकूमत कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है सिर्फ अपनी हुकूमत टिकाने के लिए, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। और फिर अब लोग कह रहे हैं भाई नसरीन आप इस तरह की बात कर तो देती हैं, आपकी बात सुनता बुनता तो कोई है नहीं क्योंकि आपके तो व्यूज ही नहीं है। आप गालम गलोच करें, बदतमीजी करें, गलीज जबान इस्तेमाल करें, स्कैंडलाइज करें लोगों को, फिर देखिए आपका चैनल कहां जाता है। मैंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, हमेशा यही कहा है, 2 साल से ही कह रही हूं बिल्कुल परवाह नहीं है, अपने हिस्से का काम कर रही हूं, अपनी मॉरल सोशल रिलीजियस और नेशनल ड्यूटी समझ के कर रही हूं। यही मेरे वालिदैन की तरबियत है, मेरे वालिद के खास तौर पर। मैं फकीर हूं बिल्कुल, इंसान अपने आप को अगर ये समझ ले कि उसकी कोई औकात नहीं है, एक मजदूर की फकीर की बेटी हूं जिसने सारी जिंदगी इस मुल्क की खिदमत की है, और उन जैसे सैकड़ों लोग हैं जो पोशीदा हैं नजरों से, नहीं मालूम लोगों को कि उन्होंने इस मुल्क के लिए पार्टीशन से लेके और अपनी आखिरी सांस तक उनकी क्या सर्विसेज हैं। एनीवे, तो जनाबे अली, आपको मैं सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट कर सकती हूं, लोगों ने जब मुझसे ये कहा कि ये सब है और आप बताइए फिर आपका तजवीज क्या है, इन 13 चोरों को हटा दिया फिर क्या होगा? आर्मी आएगी, बिल्कुल आर्मी कुछ अरसे के लिए आए, मार्शल लॉ लगाए, इमरजेंसी लगाए, जो भी करे, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना दें, एक नेशनल गवर्नमेंट बना दें। हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनकी साफ सुथरी रेपुटेशन है, और हर पार्टी से एक इंसान ले लिया जाए जो मुल्क के काम आ सके। और उस दौरान सबसे बड़ा काम क्या करना है, लेजिस्लेशन। लोग कहते हैं जी असेंबली ही नहीं है तो लेजिस्लेशन कहां से होगी, इसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा।
सबसे पहले तो इस आईन को उठाकर फेंकें जिसका कबाड़ा कर दिया इन सियासतदानों ने अपनी मर्जी की तरमी में कर करके और अब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया तो हर आदमी को तकलीफ हो रही है। फौज को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा वो मैं नहीं, मैं बिल्कुल अनपढ़ जाहिल हूं इस मामले में। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानने वाले, पढ़ने वाले, लॉ को समझने वाले, कानून को टेक्नोक्रैट्स को जमा करें, वेल रेप्यूटेड लोगों को जमा करें जिनके ऊपर कोई दाग थब्बा नहीं है, बहुत लोग हैं, कुछ तो हम भी बता देंगे। और ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, कहीं देर ना हो जाए, ये याद रखिएगा। अब की बार अगर देर हो गई ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये बेहतरीन मौका है जो इमरान खान की हिमाकत, जलालत और उनकी इख्तदार की भूख ने, अल्लाह की तरफ से ये हुआ है कि आपको ये मौका मिला है दोबारा कि लोग फौज की तरफ मायल हो रहे हैं, उनसे उम्मीदें लगा रहे हैं। खुदा के लिए आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि लोग क्या चाह रहे हैं। लोगों को रिलीफ चाहिए, उनको कोई परवाह नहीं है कौन सा एक्ट, कैसा कानून, क्या आईन। इस मुल्क के 99% लोगों को तो यही नहीं पता कि आईन है क्या, आईन का मतलब क्या है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो यही बात कर रहे हैं, आप कहेंगे तो आपके सामने सबूत पेश कर दिए जाएंगे, लेकिन कोई सामने इसलिए नहीं आता। वो कहते हैं हमारी आवाज क्या है, नकार खाने में तूती की आवाज, आप ही लगी रहें, बस हमारी तरफ से भी आप ही बात कर लिया करें। तो मैं उन्हीं की तरफ से बात कर रही हूं, लोगों को रिलीफ दे दीजिए खुदा के लिए। तालिब इल्मों को, मेहनत करने वाली माओं को, कारखानों में, खेतों में काम करने वाली किसानों के घरों की औरतें, कारखानों में काम करने वाली, स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातजा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और लेक्चरर्स, यहां तक कि मल्टीनेशनल में काम करने वाली भी शरीफ पढ़ी लिखी खवातीन, जिनकी वो सैलरी नहीं है जो आपकी ये जो बैठी है ना टीवी की खिड़कियों में। मैं पहले बता चुकी हूं कि खिड़कियों में कौन बैठता था, और अब वो खिड़कियां स्क्रीन में तब्दील हो गई हैं टीवी की। ये शाम को जो ये एंकर्स औरतें हैं लाखों रुपए जो सैलरी ले रही हैं, ये हजारों में भी डिजर्व नहीं करती, लेकिन इन्हें ये सैलरी कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है ये आपको भी पता है और बहुत लोगों को पता है। दारुल खिलाफे के सैकड़ों लोगों ने आंखों से जो कुछ देखा है वो कहते हैं ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, ये तो मंटो की हीरोइंस हैं सारी, ये तो सादत हसन मंटो के ड्रामे पढ़े हैं आप, उनके अफसाने पढ़े, और वाजदा तबस्सुम और असमत चुगताई, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद जो पहले ड्रामे लिखा करते थे, अमजद इस्लाम अमजद, असगर नदीम सैयद, हम टीवी के रवैयों पे, उसमें हम टीवी ने भी बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया है और बड़े अच्छे हकायक को बेहतरीन तरीके से उनका ट्रीटमेंट ड्रामाटाइज किया है, लेकिन क्योंकि उनका 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 माजी जुड़ा है पीटीवी से, लेकिन जब उनको पैसे का भूत सवार हुआ और उनके लालच, उनकी बहू के लालच, उनके बेटे के लालच ने उनको जमीन पर गिराया मॉरली, तो वो भूल गई कि वो इस मुल्क के लोगों के साथ क्या कर रही है। इस पर फिर कभी सही है, अलहदा सब्जेक्ट है, इस पर बहुत बात करनी है। खुदा हाफिज़। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए